मेरे पीछे व्हाइट हाउस है और राष्ट्रपति ट्रंप अभी व्हाइट हाउस में मौजूद हैं और वो लगातार अपने समर्थकों को और दुनिया भर में ये संदेश दे रहे हैं कि कानूनी तौर पर व्हाइट हाउस रहने का अधिकार उनका है, लेकिन इस घर से उन्हें गैरकानूनी तरीके से खाली कराने की कोशिश हो रही है। अब ऐसे में जब राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे पर कांटे की टक्कर चल रही है, तो सवाल यह है कि जो सामने में सबसे पावरफुल हाउस माने जाने वाले इस व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट ट्रंप कब तक रहेंगे। हालांकि लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को भी अब इस बात का यकीन हो गया है कि व्हाइट हाउस से शायद उन्हें खाली करना पड़े। हालांकि उनके पास घरों की कमी नहीं है। टीवी 9 भारतवर्ष जब न्यूयॉर्क में ट्रंप टावर को देखने गई थी, उस विशाल इमारत के टॉप फ्लोर पे प्रेसिडेंट ट्रंप तब रहते थे जब वो राष्ट्रपति नहीं बने थे, लेकिन अब उन्हें व्हाइट हाउस खाली करना पड़ सकता है। ये बात प्रेसिडेंट ट्रंप को भी अब एहसास होने लगा है, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा अपना ट्रैक बदलते हुए ये कहा कि कानूनी तौर पर वो जीत रहे हैं, लेकिन गैर कानूनी तौर पर उन्हें खाली कराने की कोशिश की जा रही है। अब ये देखना है कि कम से कम आज रात नहीं तो क्या कल तक ये साफ हो पाएगा कि प्रेसिडेंट ट्रंप व्हाइट हाउस में कितने दिन रहेंगे। कैमरन वीरेंद्र मौर्या के साथ मनीष झा, टीवी 9 भारतवर्ष, वॉशिंगटन, अमेरिका। धुआं धुआं सा ये शहर क्यों दिखता है, सुना है बाजार में धुएं का सामान बिकता है, ये दिवाली सिर्फ दिए वाली।